नीतीश कुमार ने पीएम पद की लालसा त्याग कर विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया। लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा विहीन विपक्ष को जाति सर्वेक्षण का बड़ा हथियार नीतीश कुमार की ही देन है। इसके बावजूद विपक्षी खेमे ने उनको जिस तरीके से हाशिए पर खड़ा कर दिया है, उससे नाराज नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ चले गए तो इसमें आश्चर्य या नैतिकता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होनी चाहिए। दरअसल इस बात को समझने के लिए आपको ठाकुर का कुआं का कविता एक बार सुना देते हैं। दरअसल ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कविता आज की इस स्टोरी पर सटीक बैठता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जा रहे हैं। इसका उन्हें हक भी बनता है। केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को बेदखल करने के लिए विपक्ष आज अगर एकजुट दिख रहा है तो ईमानदारी से इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश कुमार ने पीएम पद की अपनी इच्छा आकांक्षा को चाहने वाले की अपेक्षा की बलि देकर निरपेक्ष भाव से विपक्षी दलों को एकजुट किया। यह अलग बात है कि जिस मेहनत और मनसा से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की बीज रोपण किया, उसकी फसल काटने अब कांग्रेस कूद पड़ी है। उसे अपना मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास भी कर रही है और इसीलिए आज की इस स्टोरी पर ठाकुर का कुआं सटीक बैठ रहा है। आज विपक्षी दलों की दिशा कांग्रेस तय करने में लगी है और सब कुछ करने वाले नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं। आज विपक्षी शासित राज्यों में अपने स्तर पर जाति सर्वेक्षण की बात कहने लगे हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा की सरकारें ने अपने स्तर से जातीय सर्वे की घोषणा की। अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता में आने के बाद जाति सर्वेक्षण का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना के वादे कर रहे हैं या जातियों के आबादी के अनुरूप आरक्षण का वादा कर रहे हैं। विपक्ष को यह मुद्दा भी नीतीश कुमार ने ही मुहैया कराया। केंद्र सरकार के इनकार के बावजूद और एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण राज्य के संसाधन और खर्च से कराने की घोषणा की। हालांकि इस पर आगे काम बढ़ाने के वक्त नीतीश कुमार एनडीए को बाय बाय बोल महागठबंधन का हिस्सा बन चुके थे। एनडीए के इस नीतिगत फैसले को महागठबंधन ने अपनी सरकार की उपलब्धि बतानी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के बारे में भाजपा से नजदीकियों की जो सूचनाएं समय समय पर सामने आती रहती है, उसे सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन बार बार पाला बदलने से उनकी आदत के कारण किसी को भरोसा नहीं हो पाता है कि वे सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कभी लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में कहा था कि नीतीश मेरे भाई हैं, लेकिन उनके पेट में दांत हैं, वो कब किसे और कहां काट लेंगे या किसी को पता नहीं चल पाएगा। और यही परिस्थिति इंडिया गठबंधन के अंदर बन रही है कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वो नीतीश कुमार पर भरोसा भी करती नहीं दिख रही है। क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी पार्टियां अगर गोलबंद हुई है, एकजुट हुई है, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका नीतीश कुमार का है। क्योंकि अब तक जो विपक्षी पार्टियां ये सोच रही थी कि विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोका जाएगा, वो विपक्ष एकजुट नहीं हो पाई थी। लेकिन नीतीश कुमार के प्रयास से पहली बैठक पटना में हुई और उसके बाद 3 बैठकें हुई और आज भी जहां भी बैठक होती है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने देश भर का भ्रमण किया, देश भर के तमाम बड़े नेताओं से, विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की और उन्हें नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट किया। और आज की तारीख में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। और जिस विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, उस विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार ने एक ऐसा मुद्दा दिया है जिससे उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस मुद्दे के जरिए अब हम सत्ता में आ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी यही बड़ी वजह है जो जाति आधारित गन्ने के मुद्दे को हाईजेक कर ली है। बिना नीतीश कुमार के नाम लिए गए हर तरफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कई बार बयानबाजी हो चुकी, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी बिहार सरकार को धन्यवाद नहीं दिया। बावजूद वो कहते नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो देश भर में जाति आधारित गन्ना कराएंगे। जिस स्टेट में हमारी सरकार है वहां पे जाति आधारित गन्ना जो है वो भी होंगे। तो इसलिए हमने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि जिस नीतीश कुमार ने विपक्ष को खड़ा किया, मजबूत किया, एकजुट किया, मुद्दा दिया, आज वही नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों ने साइडलाइन कर दिया। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए।